लिस्ट है ना? ओके, लिंक शेयर कर दो, इस पर भी ऑन कर दे बंद है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द डिविडेंड पॉलिसी, राइट? सो अभी तक हमने जो चैप्टर्स देखे हैं उसमें दो चैप्टर्स हमारे प्राइमरीली बचे हुए, जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी एंड देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर जो है ना, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पांच फॉर्मूला से लेकर बना हुआ है। एक है वॉल्टर, एक है गॉर्डन, एक MM अप्रोच, देन लिटनेस अप्रोच एंड देन ग्राम डॉट अप्रोच, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल भी कहते हैं। तो ये पांच अप्रोचेस अगर हमें समझ में आता है तो ये चैप्टर्स हमारा समझ में आता है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वॉल्टर्स अप्रोच से, देन हम लोग शुरुआत करेंगे गॉर्डन से। तो चालू करें। तो इस चैप्टर में करते क्या है, डिविडेंड पॉलिसी हमारी ऐसी होना चाहिए कि हमारे मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए। यानी कि हम लोग ये मानते हैं कि डिविडेंड से मार्केट प्राइस डिसाइड होती है। ये चैप्टर बोलता है कि डिविडेंड देते समय यू हैव टू बी सो केयरफुल, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी डिविडेंड की जो नीति है वो खराब हो जाए, जिसकी वजह से आपके शेयर मार्केट प्राइस बिगड़ जाए। तो इनका ये मानना है कि डिविडेंड, देखो इस चैप्टर में दो तरीके हैं, एक तो रिलेवेंस है, एक तो इरेलेवेंस। मैं आपको पहले समझाता हूं कि क्या बोल रहा है। अब देखो यहां पे एक लिखा हुआ है, एक है रिलेवेंस और एक है इरेलेवेंस। ओके, देखो यहां पे चैप्टर बोलते हैं रिलेवेंस एंड एक है इरेलेवेंस। अब रिलेवेंस थ्योरी क्या कहती है, उसमें एक वॉल्टर है और एक गॉर्डन है। ये क्या बोलते हैं, जैसा आपका डिविडेंड चेंज होगा आपकी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी। MM अप्रोच कहता है कि डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है, डिविडेंड चाहे कम दे चाहे ज्यादा दे, मार्केट प्राइस का कुछ मतलब नहीं है। दोनों के अपने उसूल अलग है, दोनों को समझना जरूरी है। बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द डिसीजन ऑफ डिविडेंड्स, और डिविडेंड्स का पॉलिसी वैसा ही होना चाहिए जिसके से हमारी मार्केट प्राइस डिस्टर्ब ना हो। हमने ना ज्यादा ना कम देना चाहिए डिविडेंड, हमने उतना ही देना चाहिए डिविडेंड जितना ऑप्टिमम होता है। इसलिए इस चैप्टर में ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी भी सिखाई जाती है। जैसे मैं आपको यहां पे समझाता हूं डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमम, ये चैप्टर कहता है ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है। अगर आपका जो शेयर होल्डर है वो उम्मीद करता है या वो उसकी खुद की कमाने की क्षमता है, मान लो 20% है और हमारी कंपनी कमाती है 10%, तो इसका मतलब उसकी कमाने की औकात ज्यादा है हमारे कंपनी से। तो हमारे कंपनी ने खुशी खुशी उसको सारा का सारा डिविडेंड देना चाहिए, इससे डिविडेंड 100% कहा जाता है। यानी कि अगर हमारा 100 रुपए ईपीएस है तो हमारा डीपीएस भी 100 हो जाना चाहिए, अगर हमसे ज्यादा उस बेचारे की कमाने की क्षमताएं ज्यादा होगी। पर दोस्तों अगर ऐसा होगा जो यहां पर लिखा हुआ है, अगर मेरे कंपनी की कमाने की क्षमता 30% है और शेयरहोल्डर को अगर मैं पैसे पूरे देता हूं तो उसे 20% कमा सकता है, तो शेयरहोल्डर क्या बोलेगा, साहब अच्छा आप कितना कमाते हो, हमारी कंपनी कमाती है 30%, तू कितना कमाएगा, हाँ सर हम तो सिर्फ 20% कमाते हैं। एक काम करो सर, ये पैसे मुझे देके तो मैं तो सिर्फ 20 कमाऊंगा, ये मेरे पैसे तो आपके पास ही रहने दो, ये तो हमारी कंपनी है। ईपीएस 100 कमाएंगे, डीपीएस कितना देंगे, तो डीपीएस 0 देंगे। क्यों 0 देंगे, क्योंकि कंपनी इज हैविंग मोर पोटेंशियल टू अर्न फंड्स। तो दस शेयर होल्डर क्या बोलेगा, साहब एक काम करो, वैसे मैं 20% कमा रहा हूं, आप 30 कमाओगे, 30 कमाओगे मुझे दे दो आप बाद में, क्योंकि कंपनी का सारा वापस ये जो पैसा ईपीएस आप कमाओगे वापस तो ये कंपनी के रिजर्व में जमा होता रहेगा, और रिजर्व तो सारे शेयर होल्डर से ही बिलोंग करते हैं। ओके, आगे बात। और अगर मान लीजिए शेयर होल्डर भी कमाता 20%, कंपनी भी कमाती 20%, तो दोनों हो गए 20-20। तो दोस्तों इस केस में हो गया आसान रास्ता, आपको देना है तो पूरा के पूरा 100 रुपए जो आपने ईपीएस कमाए वो 100 रुपए डिविडेंड दे दो या 0 दे दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि ईपीएस और डीपीएस में फर्क क्या होता है। ईपीएस वो होता है जो कंपनी ने एक प्रति शेयर के लिए कमाया हुआ है, पर जरूरी नहीं है कि ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस। कंपनीज एक्ट के हिसाब से यह मुमकिन है, यह पॉसिबल है कि हम जितना ईपीएस कमाएं उसमें से जितना ही परसेंटेज हम लोग देना चाहेंगे उतना ही डीपीएस दे सकते हैं। वी डोंट हैव टू गिव 100% ईपीएस एज अ डीपीएस, हम उतना हमारी मर्जी है, हमें नहीं देना नहीं तो देर आर सो मेनी कंपनीज जो डिविडेंड देती ही नहीं है।
बट देयर आर सो मेनी कंपनी जो भर भर के डिविडेंड बांटती है. डिपेंड्स, आपकी नीतिमत्ता का खेल है. आपने कंपनी का नाम सुना वेदांता, सुना होगा क्या डिविडेंड बांटती है, भर भर के बांटती है. पर देयर आर कंपनीज लाइक वॉरेन बफेट की कंपनी जो कभी डिविडेंड देती ही नहीं है. डिपेंड्स, पर हमारे डिविडेंड की पॉलिसी ऐसी होना चाहिए जिसके से हमारा मार्केट प्राइस और बढ़े ना कि कम हो. समझ आ रहा है? ओके, ये हमारी इस चैप्टर का नाम क्या है? डिविडेंड पॉलिसी. यही तो डिविडेंड पॉलिसी है. ये जो हमने किया, ये पूरा क्या पूरा डिविडेंड पॉलिसी. तो बताओ एक बार बताओ क्या है. अगर हमारा केई यानी कि शेयर होल्डर की कमाने की क्षमता 30% है और कंपनी का आर जो है वो 20 है, तो क्या करेंगे? दे दो पूरा भाई साहब उसको, क्या है, पूरा 100% बांट दो. जितना ईपीएस कमाओ उतना पूरा बांट दो. पर कंपनी की कमाने की क्षमता है 30%, शेयर होल्डर कमाता है केवल 20, तो कंपनी शुड रिटेन पूरा ईपीएस, शुड बिकम डीपीएस. पूरा ईपीएस शुड बिकम, सॉरी, ईपीएस शुड बिकम, डीपीएस शुड बिकम जीरो. यानी कि कंपनी ने कुछ भी ईपीएस को डीपीएस में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए अगर कंपनी की कमाने की क्षमता है यहां पर, ये वाली केस. पर अगर मान लीजिए केई और आर, यानी कि कंपनी भी कमाती है 20%, यानी कि आर 20%, शेयर होल्डर भी कमाता 20%, यानी कि केई 20%, तो उस केस में शेयर होल्डर बोलेगा साहब तुम्हारे पास रखो तब भी तुम 20 कमाओगे, मुझे दोगे तब भी मैं 20 कमाऊंगा, कोई बात नहीं, आपको रखना तो आप रखो, मुझे देना तो मुझे दे दो. या तो फिर डीपीएस क्या होगा, 0% भी हो सकता है, या पूरा के पूरा जितना ईपीएस कमाया है उतना भी हो सकता है. तो ये इस चैप्टर में हमेशा बार बार पूछा जाता है कि डिविडेंड पॉलिसी कैसी होना चाहिए. आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. चलो इसके मेन गॉर्डन्स मॉडल पर जाते हैं. काफी क्वेश्चन गॉर्डन और वॉल्टर से आते हैं. मेनली इस चैप्टर में गॉर्डन, वॉल्टर और एमएम अप्रोच है. इनसे तीनों से काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. गॉर्डन्स की बात करेंगे. गॉर्डन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया. ये रहा आपके सामने गॉर्डन. एक है ग्रोथ अप्रोच, एक है नो ग्रोथ अप्रोच. क्या बोला? एक है ग्रोथ, एक है नो ग्रोथ. ग्रोथ मतलब ये अप्रोच होता है, पहले नो ग्रोथ को देख लेता हूं फिर आपको ग्रोथ समझने में आसान होगी. इसे बोला है, ये फॉर्मूला जरा देखिए, D1 अपॉन K. क्या बोला है? D1 अपॉन. सर आप बोले ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया है, ये कैसा तरीका है, ये क्या लिखा गया है? आपने कभी सुना होगा ये फॉर्मूला, याद करो आप. देखो ये वाला फॉर्मूला आपने कभी सुना, CA फाउंडेशन, A अपॉन R. परपेचुअल एन्यूटी नाम सुना होगा आपने, परपेचुअल एन्यूटी. अगर हम लोग कभी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आने वाला जो डिविडेंड होता है वो परपेचुअली आता है, एक साल के लिए आता है. वो आते ही जाता है, वो आते ही जाता है, वो आते ही जाता है. ₹10, ₹10, ₹10, ₹10. अगर मान लो आपको हर साल आ रहे हैं, अब उन सब का प्रेजेंट वैल्यू मैं कैसे निकालो? एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग, देखो यहां पे ध्यान से सुनना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं गॉर्डन की बात कर रहा हूं. इसमें एक है ग्रोथ अप्रोच, इसमें एक नो ग्रोथ. पहले मैं नो ग्रोथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना. ये क्या बोलता है, किसी भी कंपनी की थ्योरेटिकल, क्या बोला, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, नॉट द एक्चुअल मार्केट प्राइस जो आपको स्क्रीन पे दिखती है. जो स्क्रीन पे दिखती है उसको बोलते हैं एक्चुअल मार्केट प्राइस जो आप शेयर बाजार में देखते हो. डिविडेंड से आप केवल थ्योरेटिकल निकाल सकते हो. जरूरी नहीं कि TMP इज ऑलवेज इक्वल टू AMP. कभी कभी हो सकता है थ्योरेटिकल ज्यादा हो, AMP कम हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है. थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालने के लिए गॉर्डन ने कहा, मैं आपको एक बात समझाता हूं, जितना कंपनी का डिविडेंड आता है उसको डिवाइड करो KE के साथ में. अब सवाल उठ रहा है, सर ये क्या चक्कर आ गया, KE ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया? सोचो जब मैं किसी कंपनी में निवेश करता हूं तो मुझे एक साल के लिए नहीं, कई सालों के लिए डिविडेंड मिलता है. यानी 10, अगर मान लो 10 रुपए मिलता होगा तो 10 कब तक मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5 n नंबर ऑफ ईयर्स तक मुझे मिलेगा. और जब मैं ये सब कोई आज किसी कंपनी में निवेश करूंगा तो मुझे हमेशा के लिए 10 रुपए मिलेंगे. सर 10 ही क्योंकि कहीं बढ़ते नहीं, बिकॉज मैंने यहाँ पे नो ग्रोथ वाला फॉर्मूला यूज करना है. ये मैं मान के रहा हूं कंपनी का यही स्टेबिलिटी है, कंपनी कोई ग्रो नहीं करेगी तो हर साल कितना देगी? 10 देगी. पर अब कंपनी मुझे हर साल 10 देगी तो मैंने आज कंपनी को शून्य ईयर में कितने पैसे देना चाहिए? तो इसलिए इन सबको मुझे, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू लाना पड़ेगा, और वो लाता हूं मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है. डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नथिंग बट KE. सोचो मान लो KE है आपका 5%, KE है 5%, तो फिर क्या होगा?
यानी कि हमारे सीए फाउंडेशन के हिसाब से अगर इसको निकालना है तो ये आपकी ए ए यानी कि परपेचुअल एन्यूटी। परपेचुअल क्यों बोला? बिकॉज कंपनी इज ऑलवेज फॉर द परपेचुअलिटी, हमेशा के लिए 10-10। तो आपने ए लिख दिया उसके बदले, अब उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? आर से। आर यानी कि क्या? ये जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है, बताओ कितना आएगा फिर? कितना आएगा? यानी कि मतलब क्या होगा? अगर मैं इस कंपनी का आज शेयर लेना चाहता हूं तो मैंने 200 रुपए देना चाहिए। अगर ये कंपनी हर साल मुझे 10-10 रुपए देने का वायदा करती है तो मैंने इसके शेयर को 200 रुपए में आज लेना चाहिए। इसको बोलते हैं थियोरेटिकल मार्केट प्राइस। पर बाजार में जब मैं गया, जब स्क्रीन पे देखा, स्क्रीन पे नजर आया भाव तो 150 का है, 150 का है, तो मैंने खुशी खुशी बाय कर लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज थियोरेटिकल मार्केट प्राइस कहती है इसकी 200 होना चाहिए, स्क्रीन पे लिखते 150, तो मैंने समझना चाहिए सस्ते में आ रहा है। पर अगर मान लीजिए ये 200 दिखाया, स्क्रीन पे लिख रहा है 400, इसका मतलब ये शेयर बहुत महंगा चल रहा है। समझ आ रहा है? बट ये फॉर्मूला ऐसा क्यों? जरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ 200? फॉर्मूला को 2 मिनट कीप असाइड, लॉजिक समझिएगा। सपोज मैं किसी कंपनी में 200 रुपए डाल रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा हर इसमें? यानी कंपनी क्या बोल रही है, मुझे 200 दे, मैं तुझे हर बार कितना दूंगी? 10। बराबर है, ऐसा बोल रहे। तो आप मुझे बताओ 200 का फिगर क्यों आया? तो कंपनी, आप मुझे बताओ ध्यान से, 10 रुपए कमा रहे हो आप, 10 रुपए हर साल, 10 रुपए कमा रहे हो। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर में परचेस करने के बदले में बैंक में जाता हूं, हे बैंक मुझे हर साल 10-10-10 रुपए दे दे। अच्छा, 10 रुपए चाहिए हर साल और 5% का इंटरेस्ट रेट चालू है, तो बैंक में कितने पैसे रखना पड़ेगा? 10 रुपए कमाने के लिए और 5% का रेट चालू है तो बैंक बोलेगी रख 200 रुपए रख मेरे पास। तुम अगर 200 रुपए आज मुझे देंगे तो बैंक कहेगी मैं तुम्हें हर साल 10 रुपए दूंगी, बिकॉज बैंक का इंटरेस्ट रेट 5%, 200 का 5% कितना? 10-10-10 रुपए। इसका मतलब क्या है? 10 रुपए कमाने के लिए बैंक मांगती 200। कंपनी भी वही बोल रही, 10 रुपए मुझसे कमाना चाहते हो, रखो 200 रुपए, 200 का शेयर लो। ये उसका लॉजिक है, इसको बोलते थियोरेटिकल मार्केट प्राइस। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज थियोरेटिकल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डी अपॉन के ए माइनस जी। ये उसका फॉर्मूला है। सर ये क्या है? अगर ग्रोथ है तो, यानी कि ये ऐसी कंपनीज है जिसका भविष्य में 10-10-10-10 नहीं, ये ग्रो 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 करने वाली है, बहुत ही ग्रो करेगी ऐसी कंपनी जब होती है। आपको याद होगा जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ाया था, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, डीई इज इक्वल टू व्हाट? आप किसी कंपनी में P0 लगाते हो और आपको क्या मिलता है? हर साल क्या मिलता है? D1 मिलता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला साथ साथ में आपने ऐसे भी पढ़ा था, अगर ग्रोथ अप्रोच होगी, बस कुछ नहीं किया। आप ध्यान से देखिए, इसका मैं ये पी हटा देता हूं। हाँ, अब बता दो कि यही फॉर्मूला इधर आया है, किसे डिराइव, समझा गया? जिसका मैथ साथ अच्छा तो उसको समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जी उधर जाएगा तो के ई माइनस जी हो जाएगा, D1 अपॉन P0 हो जाएगा, और जब P0 उधर जाएगा तो D1, यही तो फॉर्मूला है। यानी कि दोस्तों, अगर ये फॉर्मूला को डिराइव करने की बात ही आ रही है तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देखो, दो फॉर्मूला पढ़े थे वहां पर, कि ई D1 अपॉन P0, कि ई D1 अपॉन P0 प्लस जी, ये देखा था वहां पे। ये था नो ग्रोथ और ये था ग्रोथ। अब इसी को ही अगर मैं थोड़ा सा कर देता हूं ऐसे, तो P0 D1 अपॉन K, ये तो गॉर्डन का फॉर्मूला है। और अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं जिस तरह से अभी मैंने किया, तो K माइनस जी D1 अपॉन P0, मैं P0 को लेके जाऊंगा उधर, D1 K माइनस जी।
समझ आए? कोई शक सवाल? फॉर्मूला याद हो गया? बताओगे कैसे? एक बात पूछो, लॉजिक क्या है? एक कोई कंपनी है, वॉरेन बफेट कहता है 1986 में मैंने कोका कोला में पैसे लगाए और आज तक उस कंपनी में इन्वेस्टेड है, मतलब ये 14 साल और 24 38 साल हो गए। वो बोलता है मैं D1 के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं D2 D3 D4 D5 DN तक जिंदा, मैं जब तक जिंदा हूं मेरे मरने के बाद भी मेरे शेयर में इन्वेस्टेड रहूंगा, बिकॉज आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं इन्वेस्टर हूं। और वो बोलता है मैं ऐसी कंपनी में पैसे लगाता हूं जो ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, आज उसको उतना डिविडेंड मिलता है जितने का उसने शेयर खरीदा भी नहीं था। इसका मतलब उसका क्या मानना है? मैं ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में पैसा लगाता हूं, जैसे कि एप्पल, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, इन सारे कंपनी में। इसका मतलब क्या मानता है? मैं मानता हूं कि जिंदगी में जी भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं एनजी होता है। तो जी के लिए क्या बोलता है? मुझे D1 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को अगर ऐसे लिख देता, ये अगर मैं फॉर्मूला D1, ये उसका ग्रोथ वाला फॉर्मूला है, तो एक बच्चा मुझे पूछने लगा, सर, अब जिनका मैथ्स कच्चा होता है जरा देखो कैसे डाउट आते हैं उनको, सर ग्रोथ से तो बढ़ता है ना, तो ये माइनस, ये जी क्यों नीचे लिखा है, माइनस क्यों हुआ जी? जिनका मैथ्स कच्चा है उसको अभी तक नहीं समझेगा कि भाई ये D1 है, फॉर्मूला क्या है बेसिक, D1/K। फिर तुम बोल रहे ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ ने तो यहां पे जी 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 ऐड करना चाहिए, हर साल कुछ ग्रोथ हो रहा है। आपने फॉर्मूला को ऊपर जी ऐड करने के बदले नीचे क्यों लिखा? मैंने कहा नीचे माइनस में लिखा ना भैया, जितना डिनोमिनेटर छोटा होता है उतना आंसर बड़ा होगा, बराबर है? तो हम लोग अगर इसको डी को अगर इससे डिवाइड कर दे या फिर डी को के ई माइनस जी से कर देना, तो मतलब दोनों में से आंसर किसका बढ़ाएगा? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये 10 है और हमारा 10% के ई है, या फिर हम लोग लिखते 10 है और 10-5% का ग्रोथ है, राइट? तो क्या आएगा? ये 100 आंसर आएगा और ये 100 नहीं आएगा, ये 10/5% यानी कि आएगा 200। यानी कि मतलब क्या हुआ, जो कंपनी ग्रोथ करती है उसकी वैल्यूएशन आएंगे 200 रुपया और जो नहीं करती है उसका वैल्यूएशन आएगा 100 रुपया। इसका मतलब आप ग्रोथ करो, आपको लोग ज्यादा पैसे देंगे, ये तो कॉन्सेप्ट है। जितनी कंपनी ग्रोइंग होगी उतनी उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती, यही उसका मतलब है। फॉर्मूला समझ गए दोनों? बताओ क्या फॉर्मूला एक बार, ये दोनों फॉर्मूले याद है कैसे आए, वो भी आपको समझ गया? एक बार बोल के बता दो, चलो D1/K और ये आ गया, बराबर है। अब इसी को समझने के लिए अब वॉल्टर पे भी जाते हैं। वॉल्टर बोलता मैं मानता ही नहीं दुनिया में ग्रोथ होती है, वॉल्टर का अजम्पशन है दुनिया में कोई कंपनी ग्रो तो इसलिए ग्रोथ की बात ही नहीं करता। वॉल्टर कहता है गॉर्डन बेवकूफ है, बोले क्यों? बोले वो सिर्फ उसी को ही मानता जो मिलता है, जो नहीं मिलता वो भी तो मेरा ही है, जो कंपनी रिटेंड किया वो भी तो मेरा ही है, उसको क्यों नहीं तुम थियोरेटिकल मार्केट प्राइस में पकड़ते हो? जो सिर्फ हाथ में डिविडेंड आता है क्या वही सिर्फ मेरा होता है, या फिर जो रह जाता है वो भी मेरा होता है? जो रहेगा वो भी तो कंपनी के अंदर जाएगा, कंपनी के रिसोर्स में ऐड होता चलेगा, वो भी तो एक ना एक दिन जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी वो भी तो मेरा ही है। तो इसका मतलब दोस्तों गॉर्डन मॉडल का एक खासियत है वो ग्रोथ मानता है, वॉल्टर की एक खासियत है वो ग्रोथ नहीं मानता पर वो रिटेंड अर्निंग पर भी विश्वास करता है, ये उसका फॉर्मूला है। अब जरा देखो फॉर्मूला क्या है, वो बोलता है मेरे इरादे जो है ना वो बहुत क्लियर है। वॉल्टर वो बोलता है वॉल्टर इज इक्वल टू, वॉल्टर क्या बोलता है, बोलता है D/K। क्या बोला सर? ये तो वही बोल रहा है जो गॉर्डन ने कहा। बोले नहीं, आपकी कंपनी ने कमाए EPS माइनस कर दिया DPS, यानी क्या हुआ? ये रिटेंड अर्निंग है।
आपके कंपनी ने कमाया ईपीएस माइनस कर दिया डीपीएस, बचा क्या बैलेंस 100 रुपए कमाए थे, 60 रुपए दिए, 40 बचे, उन 40 पर भी तो कंपनी कुछ ना कुछ कमाएगी, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। वो पैसा खाली तो नहीं पड़ेगा, जैसे रिलायंस ने बहुत सारा ईपीएस कमाती पर देती है डीपीएस मेरे जैसे लोगों कम, और वो जो पैसा बच जाता है उसको लगाती है जियो के 5G फाइबर में, 5G फाइबर में, या तो फिर रिटेल का स्टोर खोल देती है, या तेरा जैसा ब्रांड क्रिएट कर देती है, या रिलायंस रिटेल चालू हो जाता है, या कुछ भी नया नया स्कीम लाती है। पर ये सब इसलिए मुमकिन है बिकॉज पूरा ईपीएस वो बांटते नहीं है। पर जब मैं इनको प्रेजेंट वैल्यू में लाऊंगा तो इसका आंसर हो जाएगा डिवाइडेड बाय के। के से क्या होता है, वो फ्यूचर की चीजों को आप प्रेजेंट वैल्यू पर लाते हो और आप इसको के से डिवाइड करते हो। यही इस ऑल्टर के फॉर्मूला में थोड़ा सा प्रॉब्लम में होता क्या है, एक बार के नहीं चले गए, दो बार के करना पड़ता है, याद रखें। क्योंकि ये फॉर्मूला तो मैं जब रेगुलर बैच में पूरा डिराइव करता हूँ, देखो मैं रेगुलर बैच की नोट से, तो उसमें कैसे डिराइव किया है मैंने, देखो डिराइव करके समझाता हूँ उसको, पर अभी खैर इतना टाइम नहीं है। देखो इस तरह से डिराइव होता है, ये सब डेरिवेशन है उसका, कि दो बार के ई क्यों होता है। देखो ऐसे इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, नहीं समझ में आया तो भी कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला याद करना है, डी अपॉन के ई है, और जो बचता है क्या है ई माइनस डी, तो जो बचेगा वो जो बचेगा बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय आर, और ये पैसे का प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए के ई करना पड़ता है। पर वापस जो के सेकेंड टाइम के हो रहा है वहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको आप रटना पड़ता है। रेगुलर बैच में अपन उसको सिखाते हैं कि एग्जैक्टली डबल के क्यों आया, ईपीएस 100, 40 डीपीएस, कितना बचा 60। तो आप जो जो मिलता है वो अल्टर के हिसाब से जो मिलता है, ये तो गॉर्डन ने भी कहा था, यानी 40 का 10, ये तो 400 तो मिलना ही चाहिए। ये पैसा किसका प्रेजेंट वैल्यू है, ये डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू है, मानते हो ये डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू है। पर जो डिविडेंड नहीं, जो रह गया, कितना रह गया था, 100 में से 40 गए, 60 रह गए थे, उन 60 का 10% कितना रुपया, 60 का 10%, यानी 10% क्या है मालूम है, कंपनी का कमाने का रन रेट है, कंपनी का कमाने का रन रेट है, रन रेट, ये कंपनी किस रफ्तार से पैसे कमाती है। ओके 60/10%, 60 ये हो गया 60, और मल्टीप्लाई किया 10% से, यानी कितना हुआ 6 रुपया, 6 को वापस से के भी 10% है फॉर एग्जाम्पल, तो कितना होगा 60 रुपये। तो आप कहेंगे इसे 60 रुपये होना चाहिए, क्या होना चाहिए 60, तो 400+60 यानी 460 की वैल्यू होना चाहिए शेयर की, 400+60 460 की। पर ये एक फॉर्मूला कहता है 460 नहीं, ये 60 रुपया जो है ना वो 600 रुपये जैसा है, और वो क्या, इसलिए सेकेंड टाइम और के डिवाइड किया। लोग यहां के तक समझ पाते हैं ये के कहां से आ गया भाई, इसलिए फॉर्मूला को डिराइव करना पड़ता है ऐसे जैसा मैं बताऊंगा। आप बताओ ये 400 क्या है, ये डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू है, ये 600 डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, जो रिटेंड अर्निंग से जो कमाया हुआ है ना उसका प्रेजेंट वैल्यू है। ये कहता है, वॉल्टर कहता है, कंपनी जो अपने पास रखती है ना उसको भी तो कहीं निवेश करती है, वो भी तो पैसा आज ना कल हमें ही मिलने वाला है, भले ही अभी नहीं मिल रहा है, फ्यूचर से मिलेगा कभी ना कभी, तो उसको भी तो प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, वही लिखा है। आप देखते हैं कैसे वो फॉर्मूला डिराइव होता है, ज्यादा समझ में तो छोड़ देना, अपने टाइम कम है। हर साल 100 100 100 कमाती है ऐसा अजम्पशन ले लो, क्योंकि ग्रोथ पे हम बिलीव नहीं करते, 110 120 नहीं होंगे, हर साल 100 ही कमाएंगे, 40 40 40 40 दे देंगे, 60 60 60 60 बचेगा, अभी यहां तक तो क्लियर था। अब क्या होगा, ये 40 40 40 40 का जो प्रेजेंट वैल्यू वो 400 आ गया, बराबर है, ये 400 आ गया। अब क्या है, जो 60 रुपए बचा है वो कंपनी वापस कहीं लगाएगी धंधे में, और ये 60 रुपए से आपको हर साल 6 6 6 6 मिलेंगे, यानी कि जितने मैंने सर्कल किए ये 1 60 का परपेचुअल इनकम है। फिर अगले साल और 40 के बाद में 60 बचेंगे, बराबर बचेंगे ना, फिर क्या होगा, फिर ये 60 रुपए से ये 6 6 6 कमाए जाएंगे, फिर जो उसके बाद वाला जो 60 रुपए है उसके से हम बस 6 6 6 कमाएंगे, फिर उसके बाद में जो आपका ये कौन सा कलर लूँ, चलो कुछ तो, ये 60 रुपए है, ये 60 रुपए जब निवेश करेंगे तो
तो उसके से ये छे और ये छे मिलेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि दोस्तों आज हम लोग जब 60 रुपए लगाते हैं ना, सिर्फ केवल अगले साल नहीं, उस इस 60 से भी ये जो ग्रीन 60 है इसके से ये छे 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 जिंदगी बढ़ाते रहेंगे। तो अब क्या हुआ, आप थोड़ा सिनारियो देखिए। अब क्या हुआ, यहां पे आ गया, यानी कि आपको जीरो ईयर की वैल्यू देखना पड़ती। आप कब शेयर्स ले रहे हो? जीरो जीरो पे। तो डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू तो 400 आ गए, ये तो आप देने को तैयार है। पर आपको क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब आपको क्या लगता नहीं कि ये जो छे 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 है, हाँ, उनका ये सेकंड ईयर से आना स्टार्ट हुआ है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 60 रुपए आया फर्स्ट ईयर में। फिर ये जो छे 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 आए हुए है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसका प्रेजेंट वैल्यू सेकंड ईयर में आएगा 60। फिर ये जो छे 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 रुपया है, ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स से मिले, उसका प्रेजेंट वैल्यू थर्ड ईयर में 60 आएगा। और ये जो छे छे फिफ्थ सिक्स में आया, उसका प्रेजेंट वैल्यू फोर्थ में 60 आया। अब इसको अगर देखेंगे तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, जो वन टू थ्री फोर में आए हुए हैं, तो क्या होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा। अब समझो ये क्या हुआ, छे छे का हुआ 60, छे छे से मिला 60 60 60, और 60 का मिला फर्स्ट ईयर में 60, सेकंड ईयर में 60, थर्ड ईयर में 60, फोर्थ ईयर। बच्चा बोलेगा 6 मिला था, अरे भाई 6 6 के 60 बने, और 60 60 60 60 60 का प्रेजेंट वैल्यू मुझे जीरो ईयर में चाहिए, वो बन गए 600। आपको समझ लगा, 6 से 60 बना तब एक बार के डिवाइड हुआ, और 60 से 600 जब हुआ तो और एक बार के डिवाइड करना पड़ा। इसीलिए फॉर्मूला में ऐसा लिखा है, अक्सर इसको रटाया जाता है क्लास में, जो मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूं, डिराइव करके बता रहा हूं कि इसको समझते कैसे। बताओ बच्चों क्या समझा, जल्दी से फॉर्मूला समझ में आया? बोलो क्या हुआ, हाँ बोलो कैसे करेंगे दो बार। हाँ, इस डी से क्या हो रहा है यहां के, इस डी से क्या हुआ, इस डी से हुआ आपका 40 रुपया डिवाइड बाय 10%, ये कितना आ गया, ये आ गया 400, बराबर है। और ये जो ईपीएस, ईपीएस कितना है 100, डीपीएस कितना है 40, इसका 10%, और ये 10% की कमाई भी है, और 10% ये है, यानी कि 400 तो आपने कमाए, और ये 60 का 10% यानी कि 6 रुपए कमाए, उसका प्रेजेंट वैल्यू आया वो 60 60 60 आया, और उसको 10% से डिवाइड किया, यानी आपको क्या मिला, पहले 60 रुपए मिले, और 60 को भी 10% से डिवाइड किया, यानी कि ये मिला 400 प्लस, यानी कि आपकी वैल्यूएशन हो गई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड, फॉर्मूला क्लियर है? दो फॉर्मूला अब तक देख लिए, बेस्ट है, आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने आ रहा हूं कुछ चीजें लेकर, जिसका नाम है लिंटनेस अप्रोच। कभी सुना है लिंटनेस? यह है लिंटनेस अप्रोच, और एक है गरम दूध अप्रोच। अब लिंटनेस अप्रोच का मतलब क्या है, यह आपको थियोरेटिकल मार्केट प्राइस निकालना नहीं सिखाता, यह सिखाता है कि अगले साल का डिविडेंड कितना होना चाहिए। अक्सर फाइनेंस मैनेजर को यह नहीं समझ में आता है कि अगले साल का डिविडेंड कितना होना चाहिए। लिंटनेस कहता है मेरे पास में आओ, मैं आपको समझाता हूं। इसका फॉर्मूला कहता है अगले साल का डिविडेंड इज इक्वल टू इस साल का डिविडेंड प्लस, क्या बोला, अगले साल का डिविडेंड इज इक्वल टू इस साल का डिविडेंड प्लस, एक काम करो ना, ये ईपीएस को मल्टीप्लाई करो टारगेट पे आउट, यानी कि आपका टारगेट पे आउट है 40%। आप ईपीएस देखो, अगले साल का डिविडेंड जो होगा वो इस साल का डिविडेंड तो होगा ही होगा, पर साथ साथ में कुछ तो अधिक होगा, वो अधिक जो है ना वो ये है, ये तो डी जीरो तो प्रेजेंट ही है, वो तो देंगे ही देंगे, क्योंकि हमारे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। तो ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे 40% से। फॉर एग्जांपल, आपका पिछले साल का डिविडेंड था 10 रुपया, आपने कमाया 100 रुपए ईपीएस से, और आप उसमें से आपकी नीतिमत्ता होती है कि आप कम से कम 40% दे देते हो, हाँ, तो कितना हो गया 40 रुपया हो गया। अगर मैं फॉर्मूला को यहीं रोकता तो इसका आंसर होता 50 रुपीज, पर तो गलत हो गया, क्योंकि आप प्रेजेंट डिविडेंड को तो ऐड किए ही हो, पर आप फ्यूचर को क्यों, फ्यूचर का पूरा के पूरा दे रहे हो, इसका मतलब ये तो कुछ तो गड़बड़े, इसलिए इसको वापस से डी जीरो से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये भी डी जीरो है, देखो भाई एक्चुअली अगले साल का डिविडेंड इतना ही होना चाहिए ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 40%, 40 रुपए आना चाहिए, हम पिछले साल का ऐड कर रहे हैं,
और वापस इस साल का भी पूरा दे रहे, तो यानी कि डुप्लीकेशन हो रहा है ना भाई। बहुत क्लियर चल रहा है दिमाग में, नहीं समझे तो फॉर्मूला रटने वाला काम तो अपने को आता ही है। देखो डी जीरो तो मिलना ही चाहिए, फिर आप कितना डी जीरो से अधिक मिलेगा, तो अधिक कितना मिलेगा, 100 को मल्टीप्लाई किया 40 से, यानी कि आंसर कितना आएगा, ये आएगा आपका 10 तो आएगा ही आएगा, और ये आएगा 40 माइनस करेंगे 10, 10 की माइनस की बिकॉज 10 ऑलरेडी कंसिडर्ड हो गए थे इस पर। ये है फ्यूचरिस्टिक चीज, ये इसमें शॉर्ट शॉर्ट 10 है, पर ये अगले साल में कितना ईपीएस कमाऊंगा ये तो अनसर्टेन है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए उसको क्या करते हैं एएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं इसको एएफ से, यानी बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर, नहीं कि प्रोबेबिलिटी। ये सब कमाने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी मान लो 30% है, 10 तो मिलेंगे मिलेंगे, और 30 का 30%, यानी कि 9, यानी कि 90। सर एक बताओ, ये एडजस्टमेंट फैक्टर आपने फ्यूचर देखा है क्या, आपको मालूम है अगले साल कितना, अगले साल में आपकी कमाने की प्रोबेबिलिटी 100 रुपीज कितनी है, 30% है। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे कमाने के लिए 80% लगता है, कि मुझे लगता है शॉर्ट शॉर्ट में इतना तो कमाई लूंगा, तो फिर क्या करो 30 को 80 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 24 आएगा आंसर आपका, 34 आएगा। सर एक बात बताओ, ये जो 10 रुपया है उसको क्यों नहीं एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते? बेटा ये 10 रुपये तो शॉर्ट शॉर्ट आ चुका है, उसको कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो तो शॉर्ट शॉर्ट, वो तो 10 का 10 ही रहेगा। आप देखते प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है जब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, जो अभी तक घटना हुई नहीं है, तो बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, अब आपको समझ ही आया होगा, बोलो फॉर्मूला क्या है, D1 = D0 तो मिलेगा मिलेगा, साथ साथ में जो अगले साल का ईपीएस है उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि टारगेट रेशियो माइनस कर देता हूं मैं D0 और इसको मल्टीप्लाई एडजस्टमेंट फैक्टर से, यानी एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई सिर्फ इसी को ही हो रहा है, समझ आया, इसी को बोलते हैं लिटनेस का D1 फॉर्मूला। अब अगला फॉर्मूला है जिसका नाम है गर्म दूध। अब ये ग्राम, इसको गर्म दूध बोलता हूं मैं, वैसे ग्राहम डॉट है पर इसका नाम मैं गर्म दूध बोलता हूं मजाक में, ये है गर्म दूध। दोस्तों गर्म दूध क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी का प्राइस जो होता है ना, वो प्राइस हमेशा मल्टीप्लायर होता है D+E/3 का। इससे इलॉजिकल फॉर्मूला मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इस फॉर्मूला में कोई भी लॉजिक नहीं है, ये डिवाइड बाय 3 का लॉजिक कोई नहीं है। अब गर्म दूध वाले जो भैया है वो अब तो दुनिया में नहीं रहे, अगर होते तो मैं उनको फोन ला के पूछता भैया 3 का लॉजिक क्या है। बट क्या बोलना है इनका, आपने कभी एक वर्ड सुना होगा पी रेशो, कभी सुना है पी रेशो का मतलब होता है, आजकल बोलते हैं रिलायंस का पी रेशो 25 चल रहा है और रिलायंस कमाती है 100 रुपये एक साल का ईपीएस, तो हम बोलते हैं रिलायंस का भाव होना चाहिए बाजार में 2500 रुपये का। और अगर रिलायंस का अगर वो होता है फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस का पीई रेशो फॉर एग्जाम्पल 30 है और रिलायंस ईपीएस कमाता 100 रुपये, तो हम बोलते हैं रिलायंस का मार्केट प्राइस होना चाहिए 3000 रुपये। यानी कि अगर मैं कहता हूं किसी भी कंपनी का पी रेशो एक काम करता है उसके मल्टीप्लायर का, इसलिए इस फॉर्मूला में पी रेशो के बदले वर्ड यूज किया एम मल्टीप्लायर, क्या उसके मल्टीप्लायर, तो क्या बोला एम, एम को ब्रैकेट से बाहर हटा दो और ई से मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका फॉर्मूला ओरिजिनेशन है। देखो फॉर्मूला अपना कुछ अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, उसने क्या किया एम, ये फॉर्मूला उसका बेस है ए ऐसे होना चाहिए, बट वो क्या बोलता है एम बराबर है पर मैं डी रखूंगा और ई को किससे डिवाइड करूंगा, मुझे बताओ उसने क्या किया। पहले मैं आपको बता रहा हूं कैसे फॉर्मूला बना, ये पहले तो ऐसा बना था, फिर उसने क्या कर दिया, किसी ने उसको ज्ञान दिया ऐसे करो, फिर लोगों ने बोला तू बेवकूफ है, ईपीएस में से तो डीपीएस तो डुप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि 100 रुपये ईपीएस कमा रहे हो उसमें से तुम 40 रुपये डिविडेंड दे रहे हो, तो यानी कि तुम तो 140 पकड़ रहे हो पर मैक्सिमम तो तुमने 100 ही कमाया है, तो ईपीएस भी लेंगे और डीपीएस तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो काम करो
कुछ तो करो कि तुम्हारा, जैसे कि मान लो कंपनी ने कमाया 100 रुपए और कंपनी दे रही 40 रुपए, तो ये मल्टीप्लायर मान लो 30 रुपए का, तो आप 140 को मल्टीप्लाई करो। आप बोल रहे शेयर मार्केट में 4200 की वैल्यू होना चाहिए, बट आपने 100 रुपए के अंदर तो डी इन्वॉल्व होता है, तो इसको इसकी वैल्यूएशन घटना चाहिए, एक तो डी हटा दो या फिर ई को कम कराओ। तो उसने क्या किया पता है क्या, उसने इस ई को, इस 100 को 3 से डिवाइड कर दिया। उससे क्या हुआ बताओ, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ? फॉर्मूला में कोई लॉजिक नहीं, पर थोड़ा लॉजिक बनता है कि उसको डी और ई डुप्लीकेशन जब नजर आया तो उसने ई की संख्या को घटाया, 40 कर दिया और इसको 100 डिवाइड बाय 3 कर दिया। ये 30 का 30 रहा, ये 40, 33.33, यानी कि 30 ब्रैकेट में 73.73, समझ में आया? इस तरह से कर दिया। आर यू गेटिंग इट? लिटिल लॉजिक बट देयर इज नो लॉजिक। वापस से, जिस तरह से हम लोग पी रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं ईपीएस से, ये क्या बोलता है, मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इसको मैं डी और ई और इसको 3 करता हूं और ये निकालता है मेरी प्राइस। समझ आया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो अभी तक के सारे फॉर्मूलास हमने देख लिए हैं, अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चन से हम लोग बढ़ेंगे आगे। अभी तक हमने 4 फॉर्मूलास देखे, अभी हमारा एक ही बचा है जिसका नाम है एमएम अप्रोच। इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है जब तुम कंसेप्चुअली बिल्ड हो जाते हैं और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद में बाकी सब हो जाता है, मतलब इजीली सॉल्वेबल हो जाता ना, हो जाएगा बहुत अच्छे से होगा। इधर आओ, ये सब फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन किया हुआ, इधर 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 इधर, ठीक है आगे आएंगे। देखते एक क्वेश्चन आपको आता है कि इलस्ट्रेशन नंबर 3, यहां पे द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट। ओके, नेट प्रॉफिट कितना है? 30 लाख का है। आउटस्टैंडिंग कितना है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हैं और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 3 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 20% और कैपिटल कितना है? कॉस्ट ऑफ के 16% दिया है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने लिखा है वॉल्टर का इस्तेमाल करो और इन्होंने बोला है कि जो आपका के ई है वो है 40 रुपीज, यानी कि सॉरी थियोरेटिकल मार्केट प्राइस 42 रुपीज आ चुकी है, यानी कि जो निकालना होता है ऑलरेडी दिया हुआ है। बताओ फॉर्मूला क्या था वॉल्टर का? वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है? थियोरेटिकल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1/KE+, बोलो EPS माइनस R डिवाइडेड बाय K एंड अगेन डिवाइडेड बाय K, बराबर है? हाँ बताओ D1 कितना है? सर मालूम तो नहीं हमें, बताओ बच्चों नेट प्रॉफिट कितना है? प्रेफरेंसेस कितने हैं? 100 लाख का 12%, तो नेट प्रॉफिट में से क्या जाएगा पहले? 12 लाख जाएगा, तो कितना बचा? 18, तो कैलसी ले लो 18 लाख, 18 लाख को डिवाइड करो 3 लाख से, यानी 18/3 हो गया, यानी 6 रुपये आपका क्या हो गया? EPS. आपका 6 रुपया हो गया ईपीएस, बराबर है? ओके okay. और अब 6 रुपया हो गया आपका ईपीएस और के कितना है? 16%, और आर कितना है? 20%। तो मुझे लगता है यहां पे हमारे पास ये थियोरेटिकल मार्केट प्राइस 42 है, बराबर है? डी वन मालूम है? नहीं, वो तो निकालना है। के कितना दिया है? 16% दिया है। ईपीएस कितना है? 6 रुपये। डीपीएस मालूम है क्या? नहीं मालूम। आर कितना है? 20%। के कितना है? 16%। और कितना है? 16%। बस ये फॉर्मूला को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके डन। अब इसको सॉल्व मत करते बेटा, मतलब कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना? आगे इलस्ट्रेशन नंबर 4, यहां पे बोला है कैलकुलेट प्राइस एज पर गॉर्डन, यानी कि ग्रोथ नो ग्रोथ वाला। When the dividend payout 25%, 50%, 100%, यानी कि आपको 3 तरीके से इसके आंसर निकालना है, निकाल देंगे। देखो यहां पे आपका लिखा है ग्रोथ कितना लिखा है, यहां पे लिखा है, देखो यहां पे आपका जो है, आपने डिविडेंड 25% दिया तो आपका बैलेंस कितना बचेगा? अरे डिविडेंड 25 दोगे तो 75 बचेगा ना, तो यहां पे लिखा बैलेंस 75%, बराबर है? देखो यहां पे 50 दिया तो कितना बचेगा बैलेंस? 50%, यहां पे लिखा 50%, और यहां पे देंगे 100,
तो बैलेंस बचेगा जीरो। कंपनी कमाती कितना है, कितना कमाती है 20%। तो देखिए आप लिखा 20%, 20%, 20%। आप बोलेंगे इस क्वेश्चन में तो ग्रोथ कहीं लिखा ही नहीं है, तो हम कैसे माने ग्रोथ है? देखो बच्चों, कंपनी में अगर कुछ बैलेंस है तो कंपनी उसके ऊपर अगर 20% कमा रही है तो 20% ही कंपनी की ग्रोथ होगी, यानी कंपनी ने जो पैसा रखा हुआ है उसके ऊपर 20% कंपनी और कमाएगी। यानी कि कंपनी ने क्या किया, 75% के ऊपर 20% और कमाए। 75% के ऊपर जब 20% कमाती है तो यानी 15% का ग्रोथ मिलेगा। इसलिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया, जी इज इक्वल टू बी आर। जो बैलेंस बच जाता है उसी के ऊपर ही तो ग्रोथ होता है। बैलेंस कितना है 75, उसको कितने परसेंट पे लगाएंगे, उससे कंपनी 20% कमाएगी, यानी 75 का 20% यानी कि कंपनी कितना कमाएगी, 15%। आई होप यू गेटिंग दिस। और यहां पे कंपनी का बैलेंस 50% है, उसके ऊपर 20% कमाएगी यानी 10% ग्रोथ होगा। और यहां पे तो कंपनी में बैलेंस ही कुछ नहीं, तो ग्रोथ तो जीरो होगा। अब समझा हिडन ग्रोथ का फॉर्मूला, इस क्वेश्चन से समझा ग्रोथ नहीं होकर भी ग्रोथ निकालते कैसे है। चलो ग्रोथ हो गया, अब मुझे बताओ, अब तो सारी चीजें फॉर्मूला में घुसड़ने वाली बची है, तो इसका मतलब एक ग्रोथ वाला चीज है। ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन KE माइनस G। तो D1 कितना है मालूम तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, D1 निकालना पड़ेगा। अब पहले तो उसके लिए EPS निकालना पड़ेगा, कैलसी पे लो, कितना प्रॉफिट है 30 लाख, 12% क्या है प्रेफरेंस है, बचेगा क्या 18 लाख। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय कितना करूंगा 3 से, तो 6 रुपए का EPS आएगा। 6 का EPS और उन्होंने पे आउट कितना किया 25%, पहले वाले क्वेश्चन में 25% है, तो 6 का 25% 1.5 रुपया, तो यहां पे 1.5 रुपया EPS है। अब 6 का कितना दिया 50% दिया, यानी कितना हुआ 3 रुपया, और 6 का कितना दिया 100%, यानी 6 का 6 रुपया, बराबर है। ये सब ऐसा ऐसा आ गया, 1.5 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपया, बराबर 1.5, 3, 6, 1.5, 3, 6, बराबर। अब इसको क्या करना, फॉर्मूला में डालना है। एक काम करते इसको करके देखते, फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन KE माइनस G। D1 कितना था 1.5, KE कितना लिखा क्वेश्चन में 16, तो 16% लिख दूं मैं, और ग्रोथ कितना निकाला अपने अभी 15%, तो माइनस कर दूं 15, तो कितना 1% आएगा, तो यानी 1.5 अपॉन 1% आंसर आएगा 150। देखो इसका आंसर 150 आ रहा होगा, बराबर है। एक बार इसका भी करके देख लेते, बोलो क्या है, D1 कितना है, कैसे निकाला D1, आपने 50% दिया ना, 6 का 50%, 3 रुपए दिया, तो 3 रुपया अपॉन क्या है KE, KE कितना है 16, G कितना आ रहा है 10%, तो कितना बचेगा 3 अपॉन 6%, 3 अपॉन 6%, 50 आ रहा ना, बस इस तरह से आपको करना है आंसर ओवर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। XYZ इज अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज 10 each, इट डिस्ट्रीब्यूटेड करंट डिविडेंड कितना दे रहा है 20% पर एनम। आप सभी जानते हैं डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, और कंपनी का 10 रुपए देने डिविडेंड कितना है इनका 2 रुपए, तो इनका डी कितना है 2 रुपए। ओके एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है 2%, यानी कि D1 कितना आएगा, 2 में 2% ऐड करो, 2 + 2% यानी 2.04। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी इज व्हाट के, के कितना है इनका 15। अब गॉर्डन का फॉर्मूला बताओ क्या है, गॉर्डन का फॉर्मूला वो भी ग्रोथ वाला, D1, तो D1 कितना है मेरे पास में 2.04 अपॉन के, के कितना है 15, जी कितना है 2%, तो 2.0 डिवाइडेड बाय 13%, आंसर कितना आएगा 15.69, बराबर है। अंडरस्टूड, सभी आ रहा है समझ में, ओके समझ आया, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे, और मार्केट वैल्यू एज पर वॉल्टर निकालेंगे ऑप्टिमम, एक नई चीज आपको सामने आएगी, देखना जरा ध्यान से। अर्निंग कितना है कंपनी का 5 लाख, डिविडेंड कितना दे रहा है 7%, नंबर ऑफ ऑप्शन शेयर कितना है 1 लाख, तो बताओ ईपीएस कितना होगा, ईपीएस बन गया 5, डीपीएस कितना बनेगा उसका 7% दे रहे ना, तो 3 रुपए डीपीएस बन गया, बराबर है। और इक्विटी कैलकुलेशन देखिए, के कितना है 12% और कंपनी आर कमाती है 15%। अरे बच्चों, जो फॉर्मूला में लगने वाली सारी सामग्री हमारे पास रेडी है ना, बताओ क्या अपना फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन K, तो D1 कितना है, अरे ये तो 3 है ना,
आपको ये बताना है मुझे 40% का आर यानी कि अपना जी कितना आएगा, 60% यानी कि 40% बचता है उसके ऊपर 15%, तो 40 का 15% यानी कि मुझे 6% का ग्रोथ नजर आ रहा है, बराबर है ना 6%। अरे बोलो भाई, अरे बोलो, 6% का ग्रोथ है। तो अब क्या होगा, देखो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। अपन ये भी कर सकते हैं कि ये जो डीपीएस है, सुनो मेरी बात, ये डीपीएस को D0 भी अजम्पशन कर सकते हैं और अगर इसको D1 भी अजम्पशन कर सकते हैं। यहां पे मैंने जो सॉल्व किया इसी को ही D1 अजम्पशन कर लिया, ₹3 को, ये मेरा अजम्पशन है। पर अगर हम लोग अजम्पशन मान ले कि नहीं तीन, ये तीन T0 है, तो अपन ग्रोथ फोकस करते 3.18 उसका D1 आएगा। दोनों भी आंसर सही हो गए। यहां पे क्लियर दिया नहीं ना, डिविडेंड कितना दिया है, 5 का 7% ₹3। ऐसा अज्यूम कर ले कि यही D1 है तो अपना आंसर ऐसे आएगा जैसा लिखा हुआ है, और ऐसा करो इसको D0 मानो तो D1 कितना है 3.18। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके आई थिंक आप कुछ नहीं, अब इधर देखना, ये निकालना बड़ी बात नहीं, 45.83 आ गया। अब मुझे बताओ कंपनी ने कितना ऑप्टिमम देना चाहिए। कंपनी का ग्रोथ कितना है 6%, कंपनी खुद कितना कमा रही है 15%, और लोग कितना कमा रहे 12%। आप मुझे बताओ क्या बोलेंगी पब्लिक, पब्लिक बोले एक काम करो हमको कुछ मत दो, हमारी औकात बहुत कम है, हम 12 कमा रहे, तुम 15 कमा रहे, तो कंपनी विल कीप एंटायर थिंग इन द कंपनी, कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। यानी डिविडेंड कितना होना चाहिए, जीरो। तो अपन क्या करेंगे डिविडेंड जीरो से सॉल्व करते हैं। हाँ कितना होना चाहिए डिविडेंड, इधर देखो ना, इधर देखो, इसी फॉर्मूले को डिविडेंड जीरो से सॉल्व करेंगे। तो डी कितना है अपना, जीरो, जीरो अपॉन के तो जीरो आएगा, और ईपीएस कितना है 5, माइनस क्या करूं जीरो, आर कितना है 15, और के कितना है 12, अपॉन क्या करूं 12, आंसर कितना आएगा, जो भी आएगा आएगा, यही आंसर आएगा आपका 52.08। मुझे एक चीज बताना है, ऑप्टिमम पे आउट से आने वाला थियोरेटिकल मार्केट प्राइस विल बी ऑलवेज हायर देन द नॉर्मल थियोरेटिकल। देखो नॉर्मल कितना है 45.83, ऑप्टिमम से कितना है, यानी कि कंपनी का इसमें अगर होशियार सीएफओ अगर होगा तो हमेशा वो ऑप्टिमम वाला डिविडेंड देके अपनी मार्केट प्राइस बढ़ा के लेगा, इसलिए इसको रेलेवेंस थ्योरी कहते हैं। जितना हम लोग डिविडेंड चेंज करेंगे मार्केट प्राइस चेंज होती है, ये हमने यहां पे प्रूव कर लिया। कैसा डिविडेंड देना चाहिए, जो इस क्वेश्चन में जीरो, ऑप्टिमम देना चाहिए, ऑप्टिमम पे मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा आएगी, तो इसलिए देखो ज्यादा है, वो प्रूव भी हो गया, समझ आया। चल अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएम अप्रोच। क्या बोला मैंने, एमएम अप्रोच। अब ध्यान से देखना, ओके सोचिए कंपनी ने ₹100 का शेयर, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है ₹100, और मैंने इस कंपनी में पैसे लगाए ₹100 से। ओके आई एम इन्वेस्टिंग फंड्स इन व्हाट कंपनी, इन ₹100। ओके और यहां पे मेरी एक्सपेक्टेशन है ₹10 की, यानी मैं ₹100 लगाऊंगा उस पर ₹10 मिलना चाहिए, ऐसी मेरी आशाएं हैं। मैंने कितना लगाया, देखो मैं किसी कंपनी में P0 अगर 100 कर रहा हूं तो मेरी मेरी क्या है इन्वेस्टमेंट 100 है, और मेरी उससे आने वाली रिटर्न अगर 10% है तो मैं क्या उम्मीद करूंगा, इसके जो P1 है वो 110 हो जाना चाहिए। अगर आज मैंने ₹100 लगाया किसी कंपनी में और 10% की मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन, तो अगले साल 110 नहीं, तो मेरी निराशा हो जाएगी। पर कभी कभी क्या होता है, ये तब की बात है जब नो डिविडेंड, पर कभी कभी ऐसा होता है कि डिविडेंड दिया जाता है और कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड दिया है, तो क्या करेंगे बताओ, शेयर होल्डर बोलेगा कोई बात नहीं, एक काम करो ऐसे केस में P1 अगर आपने 105 भी दिया तो चलेगा, बताओ क्यों, मुझे ₹10 की कमाई चाहिए थी, ऐसा खाओ या ऐसा कहो, बात तो एक है। आप एक काम करो तो शेयर्स को 110 पर लेके चल जाओ, या फिर एक काम करो शेयर्स को 105 मिले तो चलेगा क्योंकि मुझे ₹5। तो इसलिए दो आंसर आते हैं यहां पे, पहली बात तो डिविडेंड पेड, डिविडेंड नॉट पेड। अगर डिविडेंड ₹2 देंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे 108 भी चलेगा, और डिविडेंड 0 है तो हम बोलेंगे 110 ही चाहिए। दोनों भी केस में मुझे क्या हो रहा है, यहां पे 8 शेयर से मिले, 2 डिविडेंड से मिले, यहां पे शेयर से 10 मिल गए, दोनों का मतलब एक ही हो, सेम है, बराबर है। अब क्या होता है, देखो एमएम अप्रोच क्या बोलता है, चाहे जितना भी डिविडेंड दे, चाहे जितना भी डिविडेंड दे,
मार्केट प्राइस कौन सा, डिविडेंड देने वाला भी होगा तभी मार्केट प्राइस उतनी होंगी, डिविडेंड नहीं देंगे, वॉल्टर गॉर्डन कहता है डिविडेंड चेंज हुआ कि मार्केट प्राइस, ये उनकी सोच थी, उन्होंने प्रूव भी किया। एमएम अभी ये प्रूव करने में लगा है, क्या प्रूव करने में लगा है, वो बोल रहे हैं आपके इसमें एग्जिस्टिंग शेयर्स 5 लाख के हैं, देखना कैसे अपने आपको प्रूव कर रहा है। अभी कौन प्रूव कर रहा है अपने आपको, एमएम, वो बोल रहा है कि मुझे डिविडेंड देने नहीं देने से फर्क पड़ता नहीं, ओके, और अगर आपके इसमें 5 लाख शेयर से अजम्पशन है और नेट इनकम आपकी 5 लाख, ये पूरे नंबर एक एग्जांपल के तौर पर लिए हुए, और आपको 20 लाख का एक्सपेंशन करना है, अब बताओ आपको कितने का फंडिंग चाहिए, 20 लाख रुपए आपको चाहिए एक्सपेंशन करने वास्ते, आपके पास में 5 लाख रुपए की इनकम हुई, यानी आपको कितने पैसे और चाहिए, आपको 20 लाख एक्सपेंशन करना है, 5 लाख की कमाई हुई, 15 लाख रुपए और चाहिए, तो देखो 15 लाख लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, अगर डिविडेंड देंगे, सुनो डिविडेंड देंगे तो क्या होगा, आपको 15 लाख में से कुछ पैसे, आपकी कमाई कितनी, आपको कितने चाहिए था 20 लाख चाहिए, आपने कमाए कितने, तो आप 15 लाख रुपए चाहिए थे, पर आपको 15 लाख रुपए एक्सपेंशन को चाहिए, पर आपने 2 रुपए का डिविडेंड भी दिया है, तो ये 5 लाख शेयर्स पे 2 यानी 10 लाख रुपए डिविडेंड, यानी कि एक्सपेंशन को 15 लाख तो लगेंगे लगेंगे, 10 लाख रुपए डिविडेंड का, तो यानी कि आपको पूरे मिला के 25 लाख चाहिए, बराबर चाहिए, बराबर है। देखो मैं आपको इधर समझाता हूं, इधर देखो, इधर देखो वो क्या बोल रहा है, आपके पास एग्जिस्टिंग कितना है, आपकी इनकम कितनी है और आपको एक्सपेंशन को कितने पैसे चाहिए, हाँ, और आपको और क्या है इसमें पॉइंट, आपके शेयर्स कितने हैं, बराबर है। अब इसको समझने के लिए वो क्या बोल रहा है, देयर आर 2 पॉइंट्स, आप एक तो डिविडेंड देंगे एक तो नो डिविडेंड देंगे, यानी कि यहां पे आपका डी 0 आता है, यहां पे डी आपका 2 रुपए आएगा, तो कितना डिविडेंड आएगा टोटल डिविडेंड, बराबर है। अब आपको एक्सपेंशन को कितना पैसा चाहिए, बराबर है, टोटल कितना पैसा चाहिए, यहां पे एक्सपेंशन कितना पैसा चाहिए, बराबर है, तो आपको टोटल पैसा कितना चाहिए और यहां पे टोटल कितना है, बराबर है। अब आपके इसमें एग्जिस्टिंग जो इनकम कितनी हो रही है आपकी, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तो आपको कितना रिक्वायर्ड और है, आपको कितना और रिक्वायर्ड है, और यहां पे कितना रिक्वायर्ड है, आपको 20 लाख चाहिए थे, आपको 5 लाख, तो आपको यहां पे 15 लाख चाहिए, बराबर, इसमें कोई डाउट है अभी बता दो मुझे, यानी कि इसको 20 लाख एक्सपेंशन को चाहिए, 10 लाख तो 30 लाख चाहिए थे, पर घर में सिर्फ 5 लाख पड़े, तो 25 लाख और चाहिए, इनको 20 लाख एक्सपेंशन को चाहिए, डिविडेंड तो कुछ देते नहीं है, 5 लाख इनकी कमाई है, तो इनको 15 लाख रुपए और चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो 25 लाख और 15 लाख है, बराबर है। अब क्या हुआ यहां पे, यहां पे इनका कुछ बोलना है कि अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं यहां पे पढ़ता हूं क्या लिखा है, तो अब इनका बोलना है कि ऐसे समय पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू किया जाना चाहिए, कितने शेयर्स इशू करेंगे। अब अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया और डिविडेंड नहीं पे किया, तो आपका जो है प्राइस कितना होना चाहिए, जब डिविडेंड नहीं पे करेंगे तो अगले साल अपन क्या चाहेंगे कि इसकी प्राइस 110 की होना चाहिए, और जब 2 रुपए डिविडेंड तो बोलेंगे 108 में भी मैं खुश हूं, तो अगले साल ये 25 लाख रुपए के लिए हम लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे, नंबर ऑफ पच्चीस लाख डिवाइड बाय 108 कर दूं, और यहां पे क्या होगा, बराबर है, यहां पे 25 लाख चाहिए, तो यहां पे 25 लाख के लिए कितने मुझे इशू करना पड़ेंगे, 30,148 शेयर्स, और यहां पे 15 लाख के लिए मुझे 110 शेयर्स, 110 के हिसाब से 13,636 शेयर्स इशू करना पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आप बताओ मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, और इधर भी कितने हैं, तो मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए, 5,23,148, 5,13,636, ये मेरे पास इतने टोटल शेयर्स, इज दैट ओके। अब क्या हुआ उसके बाद बताओ,
उसके बाद में होगा, अब आज की P1 की प्राइस कितनी है 108 और यहां पे कितनी है 110। क्या अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू निकालू तो कितनी आएगी, 523,148 को मल्टीप्लाई करता हूं 108 से, इसका आंसर आएगा 5649 कितना रहा है 9984। हाँ इधर का बताओ, इधर का भी उतना ही आना चाहिए, देख लो करके 513,636 को मल्टीप्लाई 110 56499। लास्ट का एक दो फ्रैक्शन कैसे आता है, ठीक है ये सेम टू सेम, सिर्फ 20-25 रुपए का फर्क दिख रहा है, पर वो फ्रैक्शन का है, पर बाकी सेम आ गया। क्या प्रूव किया एमएम ने, डिविडेंड देने वालों का भी वैल्यूएशन उतना ही रहता है और डिविडेंड नहीं देने वालों का भी वैल्यूएशन इतना ही होता है, इसलिए बोलता है आई एम एबल टू प्रूव दैट डिविडेंड इज इररिलेवेंट, उसको देना तो दो वरना मत दो, कंपनी के प्राइस को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये उसका आंसर है। और ये प्रूव करने के लिए क्या किया, सबसे पहले समझो स्टेप नंबर वन क्या होती है, आप डिसाइड करो कि उसकी प्राइस कितनी आएगी अगले साल, 108 आएगी कि 110 आएगी, फिर वो क्या बोलता है आपको कितना एक्सपेंशन करना हो बताओ, फिर एक्सपेंशन को पैसे, डिविडेंड के पैसे माइनस इनकम, फिर देखो आपको कितने पैसे और चाहिए। तो ये आ गया आपका सेकंड स्टेप, उतने पैसे लाने के वास्ते, बोलो जल्दी से, उतने पैसे लाने के वास्ते आपको नंबर तीन बताता कितने शेयर्स इशू करना पड़ेंगे, फिर आपने बोला हां इतने इशू करना पड़ेगा, फिर वो क्या करता है वो शेयर्स और नए शेयर्स दोनों का मिला के क्या करता है उसके, उसकी क्या निकालता है, उसकी एक वैल्यूएशन निकालता है, बराबर है, और वो वैल्यूएशन सेम आती है। सो द चार स्टेप कौन से एमएम अप्रोच के, चार स्टेप बोलो कौन से कौन से, पहले स्टेप होती है आपको P1 निकालना है, दूसरे स्टेप से आपको कितने पैसे और चाहिए, फिर उन पैसों के लिए आपको कितना इशू करना पड़ेगा, फिर टोटल जो शेयर्स है उसकी आज की वैल्यू कितनी है, यही चार स्टेप्स है। आपको समझ आया, बताओ चार स्टेप्स कौन से नंबर वन कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा P1, दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको कितना कितना फंड चाहिए रहेगा, फंड्स रिक्वायर्ड, हाँ और बताओ ये फंड्स रिक्वायर्ड, फिर इन शेयर्स के लिए कितने शेयर्स टू बी इश्यू, न्यू न्यू शेयर्स, फिर हम लोग क्या करते हैं फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू निकाल के हो गया टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय P1, ये उसके चार स्टेप्स, हर क्वेश्चन में चार स्टेप करने, दैट्स इट। P1 निकालो, फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालो कितने जरूरी है, मतलब कितनी वैल्यू चाहिए, कितना पैसा चाहिए, फिर उसके लिए कितने शेयर्स चाहिए, और फिर टोटल शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो P1 से। ये MM अप्रोच के चार स्टेप्स है, अगर आपने ये सीख लिया तो इसका मतलब आपको MM अप्रोच आ रहा है, यही पांचवा अप्रोच है, समझ आया? नहीं नहीं, ये फॉर्मूला विदाउट, मैंने कुछ तरीका ढूंढा है, ये विदाउट फॉर्मूला सॉल्व होता है, नहीं नहीं फॉर्मूला वो बेकार है उसका। अब देखो इधर एक एक क्वेश्चन करके आपको समझ आएगा। AB इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू रिस्क क्लास ऑफ विच, कैपिटलाइजेशन रेट कितना है 10%, कितना बोल रहा है, यानी कि KE कितना है इसका, यानी कि लोगों की उम्मीद कितने 10% मिले, करंटली एज आउटस्टैंडिंग शेयर कितना 10,000, और लोगों ने पैसे कितने लगाए, तो डिविडेंड दिया नहीं तो क्या होगा, वो बोलेगा 100 लगाऊंगा मुझे 110 चाहिए, और डिविडेंड अगर 5 रुपए मिला तो क्या बोलेगा मुझे 110 नहीं 105 भी चल जाएंगे। इट एक्सपेक्ट्स टू हैव इनकम ऑफ 1,00,000 एज अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। आपको आखिरी स्टेप तक पहुंचना है चार, क्या बता सकते हो चार स्टेप, सबसे पहला स्टेप कौन सा हो गया P1, कितना आएगा P1, पहला स्टेप आएगा P1 का, एक तो वो डिविडेंड एक तो नो, एक तो डिविडेंड एक तो नो डिविडेंड, डिविडेंड दिया तो कितना हुआ, बोलेंगे हमें 5 रुपए डिविडेंड से मिल रहा है तो मुझे 5 बढ़ा दो यानी कि 105, और डिविडेंड लेते तो इसका 110 कर दो, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कितना है, अपने को पैसा कितना चाहिए, अब शेयर्स कितने इनके पास में, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है 10,000 रुपए, तो डिविडेंड के लिए कितना पैसा लगेगा, यहां पे डिविडेंड आएगा 0 रुपए का, और यहां पे डिविडेंड आएगा 5 रुपए का, वो भी 10,000 शेयर्स पे, यानी कि 50 के आएगा, बराबर है। अब क्या होगा, अब ये डिविडेंड इतना उनके, सॉरी स्टेप नंबर 3 ने ऐसे के अंदर लिखता हूं, हाँ कितने पैसे उनको चाहिए एक्सपेंशन को, हाँ एक्सपेंशन को चाहिए 2,00,000 रुपए, तो टोटल कितना चाहिए, इसको 250 के चाहिए,
इसको 250 की चाहिए, पर इनके पास में ऑलरेडी इनकम कितनी है? एक लाख रुपए। तो मैं 100 हटा दूं, नहीं 200 चलना है, 200। तो अब क्या होगा, इसको कितना पैसा रिक्वायर्ड है? इसको 150 के रिक्वायर्ड है और इसको रिक्वायर्ड है 100, बराबर है। देखो यहां पे भी वही लिखा होगा, 100-100 रिक्वायर्ड। देखो यहां पे 150 रिक्वायर्ड है, ये सब बराबर। हाँ ठीक है, अब इतने पैसे चाहिए। अब बताओ इतने पैसे के लिए कितने शेयर्स इशू करना पड़ेंगे? 150 के को आपको 105 से डिवाइड करना पड़ेगा, 150 के ना 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख को डिवाइड करो आप 105 से, यानी कितना शेयर इशू है? 1428। हाँ, और यहां पे 1 लाख के लिए आपको शेयर इशू करना पड़ेंगे 110 से, कितने? 909। अब बताओ टोटल शेयर्स कितने हो गए? पहले कितने थे? 10,000, उसमें इतने मिला दो, 11,428, 10,909 मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, और यहां पे 110 से। देखो दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए, यह आएगा लगभग इतना 9,999 और 11,428 को मल्टीप्लाई करते हो 105 से। अरे गलत आ रहा है कुछ, एक मैंने कुछ गलत किया क्या? 10909 मल्टीप्लाइड बाय 110, हाँ ये गलत हो गया, मैं वही बोला कैसे गलत हो रहा है। हाँ कितना है? 11 लाख 99, ऐसा है ना, 11,99,990, ये भी उतना ही आ रहा है, आना ही चाहिए। और इस तरह से इसका वैल्यूशन सेम आ गया, देखो यही आंसर है, वो देखा ना 11,99,000, यानी कि वो 11,99,990, मतलब ही 12 लाख हो गया, ये लिखा है आंसर 12 लाख। सिंपल लगा ना? वो फॉर्मूला रखने वाला काम बुरा है, वो ये फॉर्मूला देख के इंसान को डर लगता, क्या लिखा भाई, ये देखो ये फॉर्मूलास, ये देखो ये फॉर्मूलास, क्या की जरूरत है फॉर्मूला लिखने की, कैसे कैसे फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं। चार स्टेप बताओ, चार स्टेप कौन से? नंबर 1 P1 निकालो, नंबर 2 दूसरी बात कितना फंड्स चाहिए, उस फंड्स के लिए कितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स है, और नंबर 4 वैल्यू। वैल्यू तो निकालना बहुत आसान है। तो इसी तरह से आज हमने आज के लेक्चर में पांचों कॉन्सेप्ट्स को देख लिए और उनकी कई तरह के क्वेश्चन देखे। आप कल एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, बराबर है। डिविडेंड पॉलिसी के अपन ने पांचों फॉर्मूलाज देख लिए, एक बार फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। एक बात, वोल्टा का फॉर्मूला क्या है बगैर देखिए बताना, D1/K+ EPS माइनस DPS मल्टीप्लाइड बाय R/K/K। वॉल्टर हो गया गॉर्डन डोवर, ग्रोथ नो ग्रोथ, नो ग्रोथ D1/K, ग्रोथ D1/K-G, खत्म। अब बात करें लिटनेस की, बात करें D1 इज इक्वल टू D0, यहां पे देखो मैं दिखा रहा हूं, नहीं समझ में आया तो D1 इज इक्वल टू D0 ब्रैकेट में EPS माइनस DPS, मतलब EPS मल्टीप्लाइड बाय टारगेट माइनस D0 मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, बराबर है। अब मैं गर्म दूध की बात करता हूं, वो बोलता है मल्टीप्लायर को बाहर ले लो, डी को वैसे रहने दो, प्लस ई को 3 से डिवाइड करो, और चार स्टेप एमएमए अप्रोच के। नंबर 1 P1 निकालो, नंबर 2 बात आपको कितना रिक्वायर फंड है, उस रिक्वायर फंड के लिए कितना आपको इशू करना पड़ेगा, फिर टोटल जो इशू होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसको P1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय P1 इज इक्वल टू वैल्यू, और वैल्यूएशन हमेशा सेम होगी। बताओ रेलेवेंस थ्योरी के कौन से, रेलेवेंस यानी कि वॉल्टर और गॉर्डन कहता है कि हम रेलेवेंस है, यानी कि डिविडेंड के हिसाब से मार्केट प्राइस चेंज होती है। एमएम अप्रोच कहता है कि डिविडेंड दो या मत दो, आपकी वैल्यूएशन हमेशा सेम होगी। एमएम ने क्या बताया, कुछ लोग बोलते सर इधर तो 108 वैल्यू आई, उधर से 110 है, भाई एक शेयर की वैल्यू चेंज हो सकती है पर कंपनी की एज अ होल वैल्यू तो वही है, और कंपनी के शेयर होल्डर को मतलब नहीं, तो कंपनी शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन शुड रिमेन सेम। तो एमएम अप्रोच क्या बोल रहा है, इररेस्पेक्टिव द शेयर प्राइस 105 भी हो सकती है 110 भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, पर कुल मिला के जो कंपनी का मार्केट कैप होता है ना, इट विल रिमेन सेम, चाहे आप डिविडेंड दे दो चाहे डिविडेंड मत दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप गाइज यू आर हैविंग गुड टाइम, और आपको अगर ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे तो आप जरूर जनहित में इसको शेयर करिएगा, सबको बताएं, इन लेक्चर से बहुत फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि दिस आर द मोस्ट
एफिशिएंट लेक्चर जहां पे हम लोग कम से कम समय में इतना ज्यादा पढ़ते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये लेक्चर्स को आपने जितने बार देखना उतने बार देखिए, दीज आर जस्ट ऑसम लेक्चर्स, जिसके से आप बहुत कम समय में बहुत कुछ आपको सीखने मिल रहा है। वरना हम लोग यही लेक्चर्स को कितने देर तक आराम से पढ़ाते हैं और फिर बच्चों का टाइम जाता है बहुत ज्यादा। यहां पे हम लोग के दो फायदे हो रहे, समझ में भी आ रहा है वो भी कम समय में, उसके बाद में क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन से, राइट। तो जस्ट मेक श्योर आप इन वीडियोस को वायरल कर रहे हो, सबको बता रहे हो कि इन लेक्चर से जनहित में जा रही है। जस्ट कीप शेयरिंग दिस लेक्चर, वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। बन ओके, डन।